इस वीडियो में हम लोग देखेंगे केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 3.5 का मैथ बुक से क्वेश्चन नंबर 13। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है, दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुनी है। यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाए, संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो संख्या के अंक पलट जाते हैं, तो संख्या ज्ञात करें। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लें, लिखते हैं हल। माना दहाई अंक बराबर एक्स और इकाई अंक बराबर वाई। हम मान लिए कि दहाई अंक एक्स है और इकाई अंक वाई है। जैसे ही कहे कि दो अंकों वाली संख्या तो फिर ये आपको दहाई अंक एक्स और इकाई अंक वाई मानना ही पड़ेगा। तो हमारा जो संख्या बन जाएगा, जिसे हम मूल संख्या कहते हैं, मूल संख्या वो हो जाएगा 10x जोड़ y। ये हमारा मूल संख्या हो गया। अब यहाँ x को दहाई अंक माने तो 10x हो गया, इकाई अंक हमारा y है तो यहाँ y। तो ये हमारा मूल संख्या बन गया। अब क्वेश्चन में यह भी है कि संख्या के अंक को पलटने से बनी संख्या, क्वेश्चन में है कि संख्या के अंक को पलटने, यहाँ पलटने या पलट जाते हैं, संख्या के अंक पलटने से बनी संख्या, संख्या के अंक पलटने से बनी संख्या अर्थात x के जगह y और y के जगह x। हम क्या किए, यहाँ x था तो y कर दिया और y था तो x कर दिया। अब प्रश्न से कहता है, दो अंकों की एक संख्या, ये दो अंकों की संख्या है, दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुनी है। अपने अंकों की योग के 4 गुनी है, अंक यही ना है एक्स और वाई, तो अपने अंकों का योग, योग मतलब जोड़, अंकों के योग के 4 गुनी है, तो हम 4 से गुना कर दिए। अब इसको हल करते हैं, 10x जोड़ y बराबर 4 से x में गुना कर देंगे 4x हो जाएगा, जोड़ 4 से y में तो ये 4y हो जाएगा। अब हम इन सबों को एक तरफ कर लेते हैं तो मिलेगा 10x जोड़ y, अभी प्लस में है, जब इसको हम आर एच एस से एल एच एस में लेके आएंगे तो माइनस में 4x हो जाएगा, और फिर यह प्लस में है, जब इसे भी हम आर एल एच एस लेके आएंगे आर एच एस से एल एच एस में, ये भी माइनस में हो जाएगा बराबर 0। अब 10x और माइनस 4x 6x हो जाएगा, और प्लस में y और माइनस में 4 है तो माइनस में 3y बराबर में 0। हम यहाँ से 3 कॉमन कर लेते हैं, इन दोनों पदों से 3 कॉमन कर लेते हैं, तो 3 कॉमन करेंगे तो 2x माइनस y बराबर 0 मिलेगा। अब इसे हम लिख सकते हैं 2x माइनस y बराबर 0/3, 3 को बटा में लिख दिए तो ये 2x माइनस y बराबर 0। हम जानते हैं 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो वो 0 होता है। ये मान लिए समीकरण 1। पुनः अब क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, कहता है यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाए, संख्या ये हमारा जो संख्या है इसमें 18 जोड़ दिया जाए अर्थात 10x जोड़ y जोड़ 18, संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो संख्या के अंक पलट जाते हैं, संख्या के अंक पलट जाते हैं अर्थात यह 10y जोड़ x के बराबर हो जाएगा। अब इसे हम हल करेंगे, 10x जोड़ y अभी प्लस में है, जब इसको एल एच एस लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यह भी प्लस में एल एच एस तो माइनस में, और ये प्लस में जब इसको आर एच एस लेके जाएंगे माइनस में 18 हो जाएगा। अब यहाँ 10x प्लस में और माइनस में 1x, ये हो जाएगा 9x, अच्छा प्लस में 1y और माइनस में 10y तो माइनस में 9y बराबर माइनस 18। अब इन दोनों पदों से हम 9 कॉमन कर लेते हैं, 9 कॉमन करेंगे तो हमें मिलेगा x माइनस y बराबर माइनस 18। अब ये 9 × 18 कट गया तो x माइनस y बराबर माइनस 2, और इसे मान लेते हैं हम समीकरण 2। अब हमें 2 समीकरण प्राप्त हो गया है, यहाँ 1 समीकरण 1 है तो 2x माइनस y बराबर 0 है,
और दूसरा समीकरण एक्स माइनस वाई बराबर माइनस दो, ये हमारा दूसरा समीकरण है। इन दोनों समीकरणों को हम विलोपन विधि से हल करते हैं। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए हमें सबसे पहले किसी एक पद को या तो एक्स वाले या फिर वाई वाले दोनों में से किसी एक पद को बराबर करना होता है। तो यहाँ पर हम वाई वाला पद हमारा पहले से ही बराबर है, यहाँ भी समीकरण एक में वाई है और यहाँ भी वाई है और यहाँ भी माइनस में और यहाँ भी माइनस में ही है, दोनों का चिन्ह समान है। याद रखें जब दोनों चिन्ह समान हो तो हम घटाते हैं, यदि दोनों प्लस में है तो भी घटाएंगे, दोनों माइनस में है तो भी घटाएंगे। तो यहाँ हम लिखते हैं समीकरण एक माइनस दो से, समीकरण एक माइनस दो से, तो समीकरण एक है दो एक्स माइनस वाई बराबर जीरो और एक्स माइनस वाई बराबर माइनस दो। अब चूंकि हम समीकरण एक में से समीकरण दो को घटा रहे हैं तो चिन्ह बदलेंगे, प्लस तो माइनस तो प्लस, माइनस तो प्लस। अब ये प्लस माइनस कट गया, या माइनस और ये प्लस कट जाएगा, दो में से एक एक्स घटेगा था एक्स और ये हो गया प्लस में दो, चूंकि माइनस है प्लस हो गया तो हमें एक्स का मान मिल गया दो। अब जब हमें एक्स का मान मिल गया दो तो अब हमें वाई का मान चाहिए, तो इसके लिए एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर, एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण एक हमारा है दो एक्स माइनस वाई बराबर जीरो, तब दो गुना एक्स, एक्स का मान दो माइनस वाई बराबर जीरो, दो दुना चार माइनस वाई बराबर जीरो, तो ये माइनस वाई बराबर भी प्लस में, जब इधर जाएगा तो माइनस, माइनस कट गया तो वाई बराबर चार। हमें एक्स का मान मिल गया दो और वाई का मान मिल गया चार। अब हमें क्वेश्चन में कहा कि संख्या ज्ञात करें, तो इसीलिए संख्या बराबर हो जाएगा, ये हमारा दस एक्स जोड़ वाई, दस एक्स जोड़ वाई, तो दस गुना एक्स का जो मान है वो दो है, तो दो जोड़ वाई का मान चार है तो चार, अब दस गुना बीस जोड़ चार अर्थात ये चौबीस, ये हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू।